हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, जो कि यहाँ पर इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना को दिया गया है बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। इनको जीनोम एडिटिंग के फील्ड में जो इनका डेवलपमेंट है, उसके वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। मैनुअल मैरी चारपेंटियर के बारे में अगर बात की जाए, तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1968 को हुआ। ये एक फ्रेंच प्रोफेसर और रिसर्चर हैं इन माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में। 2015 से ही ये डायरेक्टर हैं एट मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन बायोलॉजी इन बर्लिन में। चारपेंटियर ने बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स में पेरी एंड मेरी क्यूरी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इसके अलावा वो ग्रेजुएटेड हैं इंस्टीट्यूट पैस्चर से फ्रॉम 1992 टू 1995। इसके अलावा बहुत सारे जो है अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं, और अभी फाइनली इनको केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला है। चारपेंटियर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी पीएचडी प्रोजेक्ट में मॉलिकुलर मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें एंटीबॉडी की रेसिस्टेंस इन्वॉल्व था। अगर बात की जाए जेनिफर एनी डॉडना की, उनका जन्म 19 फरवरी 1964 को हुआ। वो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट, और इनका जो मेन वर्क है वो क्रिस्पर जीन एडिटिंग के फील्ड में है, जिसके वजह से इनको जाना जाता है। इसके अलावा भी वो चेयर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन ली का सिंग में, और डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पोमोना कॉलेज से की है 1985 में, और इनको जो है पीएचडी की जो डिग्री इन्होंने अर्न की है वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से की है 1989 में। जीनोम एडिटिंग के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, जीनोम एडिटिंग के फील्ड में जो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग में क्या होता है, यहाँ पर जो भी डिफेक्टेड जीन्स होगी उसको यहाँ पर क्या किया था, कट किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है न्यू और करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए से। इसके वजह से क्या होगा, जो भी मान लिया कि किसी जीनोम एडिटिंग में, देखिए क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लोकेट किया जाता है उस स्पेसिफिक एरिया को जेनेटिक सीक्वेंस के, जिसको डायग्नोस करना है। मान लीजिए कोई ये जेनेटिक सीक्वेंस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया, तो क्या किया जाएगा, पहले इसको उस एरिया को डिटरमाइन किया जाएगा, लोकेट किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, क्या प्रॉब्लम को देखा जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको कट किया जाएगा और उसको रिप्लेस किया जाएगा जेनेटिक सीक्वेंस से। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी उसमें वो दूर कर दी जाएगी इसके मदद से। इसमें आरएनए मॉलिक्यूल जो है उसको इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा कि वो लोकेट कर लेगा आपका जो भी डीएनए के स्ट्रैंड में जो भी प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है, उसको वो यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर लोकेट करेगा, और एक स्पेशल प्रोटीन जिसको Cas9 कहते हैं, यानी कि एक तरह से एक कैंची सीजर का काम करता है, इसको जेनेटिक सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी मदद से उस पार्ट को, जो भी प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है, उसको ब्रेक कर लिया जाएगा और उसको रिमूव कर लिया जाएगा, जो भी आपका करेक्ट सीक्वेंस है उसको वहां पर पेस्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए इसको कट पेस्ट मैकेनिज्म भी कहा जा रहा है। देखिए, डीएनए की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो खुद को रिपेयर कर लेता है खुद से, लेकिन जो ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है, तो वो रिपेयरिंग के दौरान हो सकता है कि फिर से वही प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस फिर से डेवलप हो जाए। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे कहा है कि ये ऑटो रिपेयर जो प्रोसेस है, तो वहाँ पे अगर जीन एडिटिंग की जाएगी तो जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको वहाँ प्लेस कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो ग्रोथ है प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस का वो वहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी एक फ्रेश सेगमेंट को वहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लमेटिक जो सीक्वेंस है उसको वहां से रिमूव करके प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो काफी इजी है, और इसके रिजल्ट्स भी जो देखे गए हैं काफी अच्छे देखे गए हैं। बहुत सारे डिजीज और डिसऑर्डर में कि अनडिजायर्ड जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से होते हैं, उसको भी यहाँ पर काफी इजी तरीके से यहाँ पर दूर कर लिया जाएगा। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, जेनेटिक सीक्वेंस का यूज करके जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको यहाँ पर ऑल्टर किया जा सकता है, और जो भी इनफेक्टिव यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है उसको रिमूव करके यहाँ पर
जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको यूज करके यहाँ पे काफी फायदा उठाया सकता है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन में ही इसका इसको यूज किया जा सकेगा, बल्कि प्लांट्स में भी जीन्स जो है उसको वहां पर एडिट किया जा सकेगा। तो इससे क्या होगी, उस प्लांट्स की जो टॉलरेंस होगी वो काफी बढ़ जाएगी, वो किसी भी पेस्ट के साथ वो आपका विदस्टैंड कर सकेगा। इसके अलावा जो है ड्रॉट और टेम्परेचर से जो उसकी टॉलरेंस होगी वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। और देखिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो जीन एडिटिंग है ये पहले भी देखा गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में आपने काफी सुना होगा, तो वहां पर भी इसी चीज का यूज किया जाता था। वैसे अभी बहुत सारे चीज में इसको बैन भी किया गया था। इसका आप कुछ एथिकल कंसर्न भी है, जैसे कि 2018 में एक चाइनीज रिसर्चर जो है शेनजेन, जो एक जगह है चाइना में, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक डिजाइनर बेबी को वहाँ पर प्रोड्यूस किया है बाय द यूज ऑफ जीन एडिटिंग टूल लाइक क्रिस्पर। और उन्होंने कहा था कि मतलब कि ये जो उन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है बेबी को, उसको खतरा था कि वो HIV से इन्फेक्टेड हो सकती है। तो इस खतरे को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर जीन एडिटिंग जीनोम एडिटिंग का सहारा लिया और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने उस बेबी को वहाँ पर प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर डोडोना का भी यही कंसर्न है कि इस तरह के अगर चीज़ होंगे तो इससे काफ़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर जीन एडिटिंग का यूज़ किया, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अदर ऑल्टरनेटिव जो सोल्यूशन वहाँ पे हो सकते थे या ट्रीटमेंट हो सकते थे उसके बारे में उसका सहारा नहीं लिया, और जो भी वहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसको भी इस बारे में नहीं बताया। तो इससे हो सकता है कि इन फ्यूचर भी कोई इसका मिसयूज करे। और जीन एडिटिंग जो है वो 100% एक्यूरेट भी नहीं है, अगर कोई भी गलती होती है तो वो जीन जिसको वहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है तो वो ऑल्टर भी हो सकता है बाई मिस्टेक। तो इस तरह कंसर्न भी इसमें है। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है